हेलो वेलकम दोस्तों, मेरे इलेक्ट्रिक के चैनल में। तो आज मैं करने वाला हूँ आपको फुल वायरिंग वीडियो, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक बंगले से, जो लोग नागपुर में रहते हैं उनको धंतोली पता होगा। धंतोली में बहुत सारे बंगले हुए हैं, तो आज हम उसी बंगले में जो पुराना बंगला है उसको रिनोवेट करने वाले हैं। और रिनोवेट के साथ में वहाँ पर POP हो रही है, उसी के साथ में वहाँ पर इलेक्ट्रिक का वर्क हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे बंगलोज है बहुत सारे बड़े बड़े। हमें आगे वाले बंगले में काम है, जहाँ पे ये डुप्लेक्स बंगला दिख रहा है आपको दोस्तों। यहाँ पे हर जगह पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, आप लोग इसी के साथ में देख सकते हैं। हमारे बहुत बड़े बड़े काम चलते हैं, और काम मैं सिर्फ अकेला ही करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ना किसी का सपोर्ट रहता है ना किसी का। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये 80 नंबर बंगलों में आया हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे। और इसी में हमारा ये जो बहुत पुराना बंगला है, इसी को रिनोवेट कर रहे हैं। तो हम इसमें पुरानी जो वायरिंग है उसको निकाल के फेंक दिया है, और इसी के साथ में न्यू वायरिंग करने वाले हैं यहाँ पे, जहाँ पे इसमें POP लगने वाली है दोस्तों। तो आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मैं किस प्रकार से यहाँ पे चैनलिंग हो चुकी है POP की। और POP की चैनल के साथ में ये देखिए, ये पुराना जो उनका मीटर है, ये सब का सब निकल जाएगा। आपको दिखाऊंगा बाद में मैं दोस्तों किस प्रकार से हम मीटर निकालेंगे और किस प्रकार से अच्छे से इसको लगाएंगे स्टार्टर वगैरह। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पे यहाँ से सीढ़ी से ऊपर चढ़ के, बिल्डिंग पुरानी है लेकिन बहुत मज़बूत है दोस्तों। आज के ज़माने में ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, बहुत हार्ड लेवल का इसका वर्क हुआ है। आप लोग देख सकते हैं पुराने वाले सलाखे, ये देख सकते हैं कितनी मोटी हुआ करती थी दोस्तों। और इसी के साथ में हमें इसमें झरी मारने को भी दिक्कत जाएगी, क्योंकि पुराना कंस्ट्रक्शन है। और देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे मैं उंगली दिखा रहा हूँ वहाँ पे DP लगने वाली है। ये देख सकते हैं बाहर का व्यू, बंगलों का ऐसा ही रहता है, बहुत बड़ा बंगला रहता है और व्यू भी अच्छा रहता है। तो मेरा सामान आ चुका है दोस्तों, मेरे को पाइप लग रहे थे, वायर लग रहे थे, और इसी के साथ में जंक्शन बॉक्स बेंड, जो मेरा नॉर्मली यूज़ वाला होता है इलेक्ट्रिक के इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं चैनलिंग हो चुकी है दोस्तों। चैनलिंग के साथ में POP के हर नीचे फ्लोर में और ऊपर फ्लोर में, दोनों फ्लोर में, और एक्स्ट्रा जो वर्क है सब में हो चुका है दोस्तों चैनलिंग। कुछ बाकी है तो हमें अपना इलेक्ट्रिक का वर्क कर लेना है, बाद में उनको दिक्कत ना चल रहे। इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग, जिनको डायग्राम समझती है दोस्तों, जैसे हमारे को जो इंटीरियर डिज़ाइनर है वो ऐसी डायग्राम दे देता है। तो आप लोग देख सकते हैं जिनको डायग्राम समझ में आती है, जो जिनका इलेक्ट्रिकल से कुछ कनेक्टेड है या फिर जो सिविल में है, आप लोग देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर ये इंजीनियर ने हम लोगों को, इलेक्ट्रिक वाले को, इलेक्ट्रिक की डायग्राम दे चुकी है। तो इसमें किस प्रकार से वायरिंग करनी है, कहाँ पे क्या करना है, ये सब दिए हुए होते हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने ये अच्छे से रीड कर लेना है, और उसी प्रकार से आपने पाइपिंग कर लेनी है और वायरिंग भी कर लेनी है। जिन लोगों ने ये देख लिया है उन लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लेना है अगर डायग्राम चाहिए तो। और मेरे पास बहुत डायग्राम है, जिस भी घर में हम फ्लैट स्कीम में जो भी वायरिंग करते हैं या फिर पाइपिंग करते हैं, तो डायग्राम के हिसाब से ही करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों ने अच्छे से इसको ध्यान रखना है, जो भी ITI से बेस है या फिर इलेक्ट्रिक से संबंधित कोई भी वर्क करता है, तो उसने ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है। जो भी आपका आर्किटेक्ट आपको डायग्राम देता है, उसी के साथ में आपको पॉइंट डालने हैं, जहाँ पर बोर्ड देता है वहीं पर डालना है, जहाँ पर AC का पॉइंट है वहीं पर AC डालना है दोस्तों आप लोगों ने। और आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों, जब भी आप POP की चैनलिंग हो चुकी होती है तो उसके ऊपर जब भी आप पाइपिंग करते हैं, तो पाइपिंग आपने चैनलिंग के ऊपर नहीं छोड़ना है, तो उसको आपने अच्छे से सीलिंग में ठोक देना है। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों किस प्रकार से हम उसको ठोकते हैं। इसके लिए आपके पास में शैडल भी आते हैं, 1 इंची 1.5 इंची, जैसे आपके लिए सूटेबल हो वैसा आप शैडल ले सकते हैं दोस्तों। आपको मैं इसकी डायग्राम भी दूंगा किस प्रकार से मैं पाइपिंग कर रहा हूँ, और वायरिंग के हिसाब से पाइपिंग करना होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है आप
किस प्रकार से भी वायरिंग करके चले जाए, पाइपिंग कहीं पे भी करके चले जाए, कहाँ पे भी वायर छोड़ दे, बाद में फिर आपको दिक्कत होती है। पीओपी वाला आपका वायर कहीं पे भी निकाल देता है या फिर आपको वायर ज्वाइन करना पड़ता है। ये देख सकते हैं, ऐसा पाइप अपना चैनल पे नहीं छोड़ना है, आप लोगों ने इसको ठोक देना है। आप लोगों को दिखाऊंगा मैं दोस्तों किस प्रकार से हम लोग ठोकते हैं। या तो आपने ड्रिल मशीन का उपयोग करके भी लगाने हैं, लेकिन ड्रिल मशीन थोड़ी हार्ड जाती है, आपको सीलिंग में आपको लोहा लग सकता है। तो इससे अच्छा आपके पास में एक क्लैंप होते हैं, क्लैंप आपने लगा देना है। ये मार्केट में मिलता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक के तो हर शॉप में मिलता है, सी क्लैंप। सी क्लैंप बोलना है आपको, जो भी आपने पाइप का साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से लेना है। देख सकते हैं इस प्रकार से आपने ठोक देना है। ये वीडियो ज़्यादा लंबी होंगी इसलिए आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। इस प्रकार से आपने हर रूम में कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने शैडल लगा के अच्छे से सीलिंग में पाइप ठोक दिया है दोस्तों। हर रूम में मैंने वैसा ही किया है, तो आप लोगों ने भी सेम करना है। देख सकते हैं अभी इस पे मैं वायरिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, और वायरिंग स्टार्ट करते समय आपको मैं डायग्राम भी दूंगा दोस्तों, और डायग्राम के साथ में आपने लिख लेना है दोस्तों। ये देखिए राइट साइड में मेरा पोल है, और ये घर की जो बिल्डिंग की है वो सारी की सारी डायग्राम आपके पास में दी हुई है। आप लोग देख सकते हैं पोल है, पोल के पास में आपने एक अर्थिंग दिया है पोल को, और उसी के साथ में फेज़ न्यूट्रल आपके डीबी में आया है दोस्तों, और डीबी से आपके हर रूम में फेज़ न्यूट्रल कंट्रीब्यूशन हुआ है दोस्तों। अलग अलग सेपरेटली जाके याद रखना है, हर रूम के लिए एक सेपरेट सर्किट डालना है। आप लोग देख सकते हैं ड्राइंग में भी वही दिया हुआ है, फेज़ न्यूट्रल, फेज़ न्यूट्रल, फेज़ न्यूट्रल, हर सर्किट में वैसे डाल देना है। और जो मैं अभी वायरिंग कर रहा हूँ तो उसकी वायरिंग की मैं आपको डायग्राम दे दूँगा। ऐसा तो आपको समझ में नहीं आएगा किस प्रकार से वायरिंग हो रही है, क्योंकि बहुत जन को जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको समझना पड़ता है डायग्राम के हिसाब से किस प्रकार से हम लोग वायरिंग करती है। तो आपको एकदम समझ में नहीं आएगा किस प्रकार से मैं यहाँ पे अभी वर्क कर रहा हूँ, वायर खींच रहा हूँ। तो वायर खींचते समय आप लोग अकेले भी कर सकते हैं दोस्तों काम, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। आपको सपोर्ट लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्प्रिंग तार होना चाहिए अच्छा, और आपके पास दो घोड़ी होनी चाहिए एक जगह से खींचने के लिए। तो मैं आपको डायग्राम दे दूंगा दोस्तों किस प्रकार से हम लोग रूम, ये तो जो डायग्राम दी हुई है वो पोल से डायरेक्ट डीबी में आया हुआ है, और डीबी से सर्किट आपको हर रूम में आया हुआ है। तो इसी प्रकार से आपने सर्किट डाल देना है सेपरेट रूम में, अलग अलग रूम में। तो यहाँ पे नीचे के इसमें एक बड़ा हॉल है और दो छोटे रूम हैं, और उसी के साथ में टॉयलेट बाथरूम है, दो टॉयलेट बाथरूम है, और इसी के साथ में ऊपर में भी सेम है दोस्तों, और एक ऑफिस है। आपको मैं डायग्राम दिखा दूंगा किस प्रकार से हम अंदर की वायरिंग करते हैं हर बेडरूम की और रूम की। तो आप लोग देख सकते हैं ये बड़ा हमारा ये है, ये हमारा मेन डीबी हो गया है दोस्तों, जहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाने वाला हूँ मैं। और इसी के साथ में ये हमारा जो निकल रहा हूँ ये बड़े हॉल है, और इसी के साथ में एक लेफ्ट हैंड साइड पे टॉयलेट बना हुआ है जो पार्टीशन कर रहा हूँ दोस्तों। एक हमारा हॉल, दो बेडरूम, ये आपको नॉर्मली समझने के लिए है, एक दो तीन चार रूम, चार रूम निकाल दिया है। चार रूम यानी आपके लिए कुछ भी हो सकता है, ये हॉल, बेडरूम या दो रूम या एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को मैं नॉर्मली दिखाने वाला हूँ। ये जो छोटे छोटे डब्बे हैं, स्विच बोर्ड है हमारे, ये देख सकते हैं डीबी में हमारा फेज़ न्यूट्रल आया हुआ है, जहाँ से हमारा ये देखिए रेड वाला यानी जो हमारा सर्किट है, हर रूम में अलग अलग सर्किट चला गया है दोस्तों। और इसी के साथ में फेज़ न्यूट्रल अर्थिंग, ऐसा सबका सब मिला के फेज़ न्यूट्रल अर्थिंग मिला के एक सर्किट बनता है दोस्तों। तो फेज़ न्यूट्रल अर्थिंग डीबी से एक रूम में, वैसे सेकंड रूम में, थर्ड रूम में और फोर्थ रूम में, ऐसा चारों जगह पे मेरे चार रूम में चला गया दोस्तों, नीचे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, जैसा आपको घुमाना चाहिए वैसा आप घुमा सकते हैं। याद रखना है सर्किट यानी फेज़ न्यूट्रल अर्थिंग जाता है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो ये तो अभी नॉर्मल वाली डायग्राम दे दिया है दोस्तों आपको, जिससे आपको
कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका है। फर्स्ट वाली आपको जो पोल से है, पोल से आपको घर तक की दिखा दी है वहाँ से, और अभी सेकंड वाली में डायग्राम में आपको दिखा दिया है कि डीबी से आपके सारे कनेक्शन चार रूम में चले गए हैं, यानी इन चारों की आपने सेपरेट एमसीबी बना लेना है दोस्तों। हर रूम की एक एक एमसीबी देना है, हर रूम के लिए सेपरेट एमसीबी और एसी के लिए अलग एमसीबी। तो हर रूम में एक स्विच बोर्ड है और स्विच बोर्ड पे आपको कनेक्शन दिखाने वाला हो किस प्रकार से हम लोग कनेक्शन करेंगे दोस्तों लाइट के, किस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लाइट डालने वाले हैं और किस प्रकार से करने वाले हैं, और इस प्रकार और इसी तरह से हम लोग एसी की भी सर्किट डालने वाले हैं। तो एसी की हमें सेपरेट एमसीबी देनी है और इसी के साथ में हमें स्विच बोर्ड की सेपरेट एमसीबी देनी है, और इसी के साथ में आपको अलग चाहे तो एक्स्ट्रा लोड के लिए आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं ये किस प्रकार से मेरी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों वायरिंग, मेरी वायरिंग आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे जहाँ पे घूम के रखा है वायर, वहाँ से हमारा स्विच बोर्ड के लिए उतर जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से मेरी वायरिंग पूरी हो चुकी है एक हॉल की, और ये हम लोग किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से किया हुआ है वो आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग जहाँ पे गुंडली मारा है वहाँ से दरवाजे से हमारे बोर्ड के लिए वहाँ पे जो गोल राउंड किया है उंगली से वहाँ पे बोर्ड आएगा। ऊपर की हमारी हो चुकी है पूरी फाइनल हमारी वायरिंग दोस्तों, आज ही कंप्लीट कर चुकी है हमने, देख सकते हैं आप लोग। इसी के साथ में हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है वायरिंग ऊपर के साथ में, और नीचे के साइड में हमारा स्विच बोर्ड उतरेगा दोस्तों। तो उसके लिए हमने ये देख सकते हैं वायर गूंद के रखे है, ये देखिए यहाँ पे स्विच बोर्ड आएगा। तो अभी मैं आपको देने वाला हूँ, ये देख सकते हैं नीचे का जो पूरा पोर्शन है दोस्तों आपको कंप्लीट करके देने वाला हूँ किस प्रकार से मैंने वायरिंग की है दोस्तों। तो हर हॉल में आप लोगों ने हर रूम में तीन लाइट है, तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से मैं इसका कनेक्शन करने वाला हूँ। जो लेफ्ट साइड में आपको जो डायग्राम दिख रही है उसको ध्यान से प्रॉपरली देख लेना है दोस्तों आप लोगों ने। हर रूम में दो फैन है, तो आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में मैं बना रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे जो राइट साइड में रेड वाला है वहाँ पे एसी है सबसे आखिरी कोंटे में, देख सकते हैं दोस्तों। एक स्ट्रेट लाइन में आपको तीन लाइट है, आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए आपको हर इसमें तीन लाइट है जो एक बटन पे स्टार्ट होगी दोस्तों। एक बटन पे तीन लाइट, एक बटन पे तीन लाइट और एक बटन पे तीन लाइट, और आगे में जो है स्टार्ट में वहाँ पे दो लाइट, एक बटन पे दो लाइट। इस प्रकार से आपने हर रूम की वायरिंग कर लेनी है। ये मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ करके दिखा रहा हूँ दोस्तों रेड में, ये क्योंकि एक बटन पे तीन लाइट है, तो जिन जो इलेक्ट्रिक के जो लड़के हैं उनको समझ में आ चुका है दोस्तों ये किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं आपको फर्स्ट वाला एक ज्वाइन कर चुका है, सेकंड वाला भी दे दिया है मैंने एक ही बटन पे, थर्ड वाला एक बटन पे, फोर्थ वाला एक बटन पे, यानी एक बटन पे आपको तीन लाइट स्टार्ट होने वाले हैं। उसी के साथ में हम फैन को भी, फैन सेपरेटली होता है दोस्तों, फैन को हमेशा सेपरेटली देना चाहिए। उसके लिए आपने ये तो अभी सेपरेट रेड कलर का वायर डाला है, तो आप लोग इसमें फेज़ न्यूट्रल दे सकते हैं दोस्तों। फेज़ न्यूट्रल के बिना तो आपका कोई भी इक्विपमेंट स्टार्ट नहीं होगा, आप लोगों ने अच्छे से ध्यान देना है। जिस भी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको फेज़ न्यूट्रल ज़रूरी होता है, जितना करंट आपका आप लोग दे रहे हैं उस मशीन को या फिर लाइट को, तो उतना ही करंट आपका गोल घूम के वापस आना चाहिए न्यूट्रल बन के दोस्तों स्विच सॉकेट में आपका बोर्ड में। तो इसी प्रकार से हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों, और याद रखना है एसी के लिए सेपरेट आपने सर्किट डाल देना है, वो डायरेक्ट बोर्ड में नहीं जाता है दोस्तों, डायरेक्ट वो डीबी में लगता है और एमसीबी में लगता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है वायरिंग नीचे से ऊपर से, और पीओपी वाले को चाल दे चुकी है हम मैंने, तो वो उसके बाद में पीओपी जब करेगा उसके बाद में आपको वीडियो दे दूंगा दोस्तों किस प्रकार से हमारी पीओपी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में हमारे वायर किस प्रकार से निकलते हैं वो सब आपको दे दूंगा दोस्तों।
तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये मेरे इलेक्ट्रिक से बेस वीडियो। आपको 10 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, एक ही वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको डायग्राम भी मिलेंगी, उसी के साथ में वर्क किस प्रकार से करते हैं वो भी देखने को मिलेगा दोस्तों। आपका पूरा जो है माइंड में वो पूरा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो आप लोग ज़रूर मेरे इस वीडियो को देखा करें दोस्तों, जहाँ पे मेरे इलेक्ट्रिक के बेस वीडियो रहते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिससे आपकी नॉलेज में बढ़कत होगी दोस्तों। तो आप लोग मेरे वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। तो आप लोग आप लोगों को इस पर जो भी मेरे न्यू वीडियो आएगी तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसी के साथ में आपको गुड बाय करने वाला हूँ दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पसंद करें। चलिए थैंक यू दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये जो जितने भी वायर मेरे यहाँ पे उतरे हैं दोस्तों, ये स्विच बोर्ड में उतरे हैं, उसी के साथ में पीछे के साइड में हमारा डीपी है तो मेन डीपी में उतरा है। आपने सब वायर जो रूम के वायर है तो वो स्विच बोर्ड में उतार लेने, और जो मेन सर्किट होता है तो वो हमारा डिब्बे में जाता है। वो देख ये देख सकते हैं, वो डिब्बे में जाएगा। देख सकते हैं नीचे का भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ में वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले मेरे वीडियो को देखा करें। थैंक यू दोस्तों।